फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद तड़का। और आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं। बहुत दिन हो गए हैं क्योंकि गर्मी आ गई है। बेटा बहुत ही जिद करता है आए दिन कुछ ना कुछ नया डिजर्ट खाने के लिए, कुछ ठंडा खाने के लिए, पीने के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि घर में स्ट्रॉबेरीज थी और बच्चों को फ्रूट खिलाना कई बार मुश्किल हो जाता है, आपको पता ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज स्ट्रॉबेरीज को यूटिलाइज किया जाए आइसक्रीम बनाने में। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी होममेड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जो कि आप कभी भी जब आपका मन चाहे अपने बच्चों को घर में ही हेल्दी आइसक्रीम बना करके खिला सकते हैं। सबसे पहले पैन में मैं यहाँ ले लूंगी 1 लीटर दूध और हम इस दूध को बॉईल करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आ चुका है, लेकिन तब भी हमें ओकेशनली दूध को थोड़ा बहुत चलाते रहना है बीच बीच में, क्योंकि मैंने ये 1 लीटर दूध लिया था तो हमें इसे कम से कम आधा लीटर दूध होने तक चलाते रहना है ताकि दूध गाढ़ा हो जाए और आइसक्रीम बनने के लिए बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध को पकते पकते काफी टाइम हो गया है। मैंने ये 1 लीटर दूध लिया था और अभी ये पकते हुए कम से कम आधा लीटर रह गया है। तो यहाँ पर अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और हम इस दूध को अब बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए लगभग 1 घंटे तक के लिए मैं इसे रख दूंगी। तो दूध अब तक ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर हम आगे आइसक्रीम बनाने के प्रोसेस में चलते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप स्ट्रॉबेरी। इसे मैंने रफली छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हम इसे यहाँ पर मिक्सी में डालेंगे। इसी के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कम रखा है। और जो दूध हमने बॉयल किया था यहाँ पर, अब वो दूध इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसे स्मूदी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे स्मूदी फॉर्म में चेंज कर लिया है और यहाँ पर अब मोल्ड्स में हम इसे डालने के लिए तैयार करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टिक्स अरेंज कर दूंगी। मुझे इस आइसक्रीम का टेक्सचर प्लेन नहीं पसंद है, इसलिए मैं इसे एज इट इज डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्ट्रेनर की मदद से छान भी सकते हैं ताकि जो भी स्ट्रॉबेरी के दाने हैं अगर वो आप हटाना चाहते तो आप हटा सकते हैं, बट मैं इन्हें एज इट इज ही डाल रही हूँ। और बस इसे इस तरीके से हम कवर करके 8 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे। चलिए देख लेते हैं आइसक्रीम बनने के लिए। और अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए, बाकी भी हम इसी तरीके से आइसक्रीम्स निकाल लेते हैं। ये देखिए किस तरीके से बहुत ही अच्छे से घर में ही आप बैठ करके बच्चों के लिए तरह तरह की आइसक्रीम्स बना सकते हैं, जैसे कि आज मैंने एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से जो है एक हेल्दी आइसक्रीम बन गई है बच्चों के लिए। अब आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे फ्रूट्स होकर भी घर में नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं। आप उन फ्रूट्स को यूज में ला करके एक हेल्दी तरीके से दूध का इस्तेमाल करते हुए घर में ही उन्हें आइसक्रीम बना करके दे सकते हैं। और यकीन मानिए कि सिर्फ एक फ्लेवर में नहीं, आए दिन आपसे डिफरेंट फ्लेवर्स में वो आइसक्रीम मांगने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना जरूर से याद रखें। तो मिलते हैं अगली एक और किसी वीडियो में एक बहुत ही अच्छी और मजेदार और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सलामत रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।